कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने होमवर्क के लिए चप्पलों का चक्कर पाठ के प्रश्नोत्तर किए होंगे, प्रश्नोत्तर में अभ्यास 1, अभ्यास 2 और अभ्यास 3 ये आपको होमवर्क के लिए दिया गया था, जो शायद आपने कर लिया होगा। देखिए आज हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं शब्द ज्ञान की। शब्द ज्ञान के अंदर देखिए आज हम बात करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। वाक्यांश के लिए जहां एक शब्द का वन वर्ड का प्रयोग करते हैं वो होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसको बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो देखिए आज हम कुछ एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक के आधार पर है। आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर भी इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक के ऊपर पेज नंबर 46 के ऊपर आपको ये मिलेंगे, यानी 46 के ऊपर। पहला इसके अंदर देखिए, जैसे जूतों की मरम्मत करने वाला, जूतों की मरम्मत करने वाले को हम एक शब्द में व्यक्त कर सकते हैं, यानी मोची। और मोची का अर्थ होता है जूतों की मरम्मत करने वाला। इसीलिए जैसे दूसरा शब्द डाकिया, तो इसके लिए वाक्यांश क्या होता है, जो घर घर डाक पहुंचाए, जो घर घर जाकर के डाक देता है उसको डाकिया कहते हैं। जो छात्रों को पढ़ाए अध्यापक या शिक्षक कहलाता है। जो रोगी का इलाज करे चिकित्सक या डॉक्टर कहते हैं। जो मांस खाता है उसको मांसाहारी कहते हैं। जो मांस नहीं खाता है उसको शाकाहारी कहते हैं या निरामिष कहते हैं। जो पेड़ पौधों का ध्यान रखे उसको माली कहते हैं। जो घर की रखवाली करे उसको चौकीदार कहते हैं। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार कहते हैं। जो लकड़ी का काम करता है बढ़ई कहते हैं। जो खेती करता है किसान कहलाता है। कक्षा में साथ पढ़ने वाला सहपाठी कहलाता है। तो इस तरह से आपके वाक्य दिए हुए हैं, जिनके वन वर्ड दिए हुए हैं। इसी तरह से इनके लिए आज आपको होमवर्क के लिए इसके अंदर जो दिया हुआ है पेज नंबर 46 के ऊपर, आप देखोगे कि पेज नंबर 46 के ऊपर आओ करें चार। इसके अंदर देखिए आपकी बुक है, उसके अंदर हम देखते हैं आपकी बुक के अंदर आप देखिए आओ करें चार। इसके अंदर सही मिलान करना है आपको। सही मिलान करने के लिए देखिए आपको करना है जूतों की मरम्मत करने वाला मोची को यहाँ पर सही मिलाया गया है। आगे आपको मिलान करना है जो रोगी का इलाज करे उसको क्या कहते हैं, जो छात्रों को पढ़ाए उसको क्या कहते हैं, जो पेड़ पौधों का ध्यान रखे उसको क्या कहते हैं, जो घर की रखवाली करे और जो घर घर डाक पहुंचाए, इनको आपको इसी तरह से मिलान करना है। सही शब्द सही वाक्यांश के सामने आपको मिला करके अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। फिर देखिए आगे हम पेज नंबर 47 पे चलते हैं, आओ करें पांच। आओ करें पांच के अंदर भी देखिए सेम वैसा ही पूछा गया है। आओ करें पांच में कहा है कि चित्र की मदद से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे। यह चित्र है कुछ कक्षा में साथ पढ़ने वाला सहपाठी कहलाता है। इसी तरह से मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं, खालिस्तान में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके साथ साथ छात्रों को पढ़ाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है वो शब्द यहाँ लिखना है। रोगी का इलाज करने वाला क्या कहलाता है वो यहाँ पर आपको लिखना है। ये आपकी होमवर्क के लिए आज का होगा। इसके साथ साथ देखो भाषा की पहचान, आज हम भाषा की पहचान में आ रहे हैं। इसमें आज हम बात कर रहे हैं क्रिया। देखिए क्रिया शब्द है वो एक विकारी शब्द होता है। जिस तरह से एग्जाम्पल दिया, लेखक ने नीम के पेड़ पर चप्पलों का बंडल रख दिया। फिर इस वाक्य में रख दिया शब्द में काम के करने का पता चलता है। तो देखिए क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा है जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। तो आप ये क्रिया शब्द लिख करके इस क्रिया शब्द के नीचे आप इस क्रिया की ये परिभाषा लिखेंगे। इस परिभाषा को यानी जिस वाक्य में जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसको क्रिया कहते हैं। फिर देखिए बुक में आपको पुस्तक में अगले पृष्ठ पे जाना है। अगले पृष्ठ के ऊपर कुछ ऐसी चीजें दी हुई है, चित्र दिए हुए हैं उदाहरण के रूप में। खुशी पड़ती है, विजय दौड़ रहा है और प्रिया नाच रही है। दौड़ना पढ़ना नाचना ये सब क्रिया के रूप है, यानी क्रिया शब्द है। इसी तरह से आओ करें छह एक्सरसाइज में आपको दिए गए शब्दों में से क्रिया शब्दों पर गोला लगाना है। देखिए विवाह, मेघा और चलना, तो इसमें चलना क्रिया है, इस पर गोला लगाना है। फिर देखिए पढ़ना, आप, सुंदर, तो इस पर पढ़ना क्रिया हुआ। नीचे, लंबा और जागना, तो यहां पर है जागना। तो इस तरह से फिर देखिए आओ करें सेवंत के अंदर भी आपको देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि कोष्टक में से दी गई क्रियाओं का सही रूप प्रयोग करके खाली स्थान बनना है। विकास पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ना की जगह लिखना है आपको पढ़ रहा है। सोहन साइकिल चला रहा है। नेहा झूला झूल रही है
और अरुण गाना सुन रहा है। इस तरह से आपको यह करना है। फिर देखिए आगे वाले पेज पर आप बढ़ेंगे तो आपके आगे वाले पेज के ऊपर आएंगे, सही मिलान करना आपको, सही मिलान कीजिए। देखिए सही मिलान इधर से, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। बाकी तीन का आपको मिलान करना है। रेनू क्या कर रही है वो आपको बताना, गाना गा रही है। माधव पत्र लिख चुका है और पिताजी भोजन कर रहे हैं। तो इस तरह से आज का ये होमवर्क आपको करना है। अगले वीडियो में हम सोचो और बताओ के बारे में आगे हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।